हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इन्फिनिक्स मोबाइल में बैटरी स्लो चार्ज हो रहा है या देर से चार्ज हो रहा है तो कैसे सही करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। चलिए हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा, देखिए बैटरी का या बैटरी लैब का। तो बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इस नेम से ज़रूर रहेगा, बैटरी नेम से। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग मिलेगा। यहाँ पर मोर बैटरी सेटिंग है, आपके फ़ोन में भी मोर बैटरी सेटिंग या एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपको इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी सेवर का एक ऑप्शन मिलेगा, बैटरी सेवर। आपको बैटरी सेवर को यहाँ से चालू कर देना है। हमारे फ़ोन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पावर सेविंग मोड, आपके भी फ़ोन में पावर सेविंग मोड नाम से हो सकता है, तो आप अपने फ़ोन में चेक कर लेना। बैटरी सेवर से रहेगा तो उस पर क्लिक करना है, और पावर सेविंग मोड रहेगा तो इस पर क्लिक कर देना है, पावर सेविंग मोड ऑन कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप इतना कर लेते हैं फिर आपको बैक आना है, और आप चाहें तो इस ऑप्शन को ऊपर सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे अगर बैटरी, तो यहाँ पर आ जाएगा बैटरी वाला ऑप्शन। या देखिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो यहीं पर आप आ जाएंगे, यहाँ से भी आप चालू बंद कर सकते हैं। देखिए पावर सेविंग मोड ऑन हो गया है, बैटरी सेवर मोड ऑन हो गया है। अब आप क्या करना, बैक आना, और अब अपने फ़ोन को अगर चार्ज में लगाएंगे तो काफ़ी स्पीड से चार्ज होगा। साथ ही में क्या करना, चार्ज में लगाने से पहले यहाँ से आपको सभी ऐप को हटा देना है, रिमूव कर देना है बैकग्राउंड से। देखिए यहाँ से आपको सभी को यहाँ से हटा देना है, इस तरीके से सभी को। तो इससे क्या होगा, जितने भी बैकग्राउंड में ऐप यूज हुए रहते हैं, सब चलते हैं, रन करते हैं, वो यहाँ पर बंद हो जाते हैं, और आपका फ़ोन जो है काफ़ी स्पीड के साथ चार्ज होगा। और गाइस और ही जल्दी आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में करके चार्ज कर लेना। फ़्लाइट मोड ऑन करेंगे तो आपका फ़ोन और ज़्यादा तेज़ से चार्ज होगा, फिर जैसे ही चार्ज हो जाए तो फ़्लाइट मोड ऑफ़ कर देना। तो गाइस ये रहा कुछ तरीके जो मैंने आपको बताए। और तो गाइस आज के दिन बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।